हेलो व्यूअर्स, आपको तो पता ही है आज इंटरनेट पूरी दुनिया में फैल चुकी है। इंटरनेट फैलते के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बहुत ही ज्यादा तरक्की से आगे बढ़ रहे हैं और इसके डेवलपमेंट भी। हाल ही में एक न्यूज जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चा में रही वो है चैट जीपीटी, जो कि एक लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल है और इसे ओपन एआई सैन फ्रांसिस्को बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसके सीईओ है सैम अल्टमैन। जो जो मशीन समझदार होती जा रही है, अभी जो लॉन्च किया गया ये है तो एक चैट बॉट ही। जी बिल्कुल, चैट जीपीटी एक चैट बॉट ही है जो कि हमारे ईमेल लिख सकता है, हमारे लिए ब्लॉगिंग कंटेंट भी लिख सकता है और यह बहुत ही सारे लैंग्वेजेस को आसानी से गेन कर सकता है, करे भी क्यों ना, हैवी लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल। लेकिन क्या आपको पता है इसके ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर न्यूरॉन्स के बारे में? नहीं पता। और क्या आपको इसकी हिस्ट्री पता है? क्या ये भी आपको नहीं पता? चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलते हैं हम अपने पास्ट में और देखते हैं कैसे ये डेवलप हुआ। तो सबसे पहले एलन ट्यूरिंग नाम के एक इंग्लिश कंप्यूटर साइंटिस्ट ने एक क्वेश्चन पूछा था पेपर में पब्लिश करके, कैन मशीन थिंक। सारी कहानी बस यहीं से शुरू हो जाती है। फिर आने वाले समय में 1966 में दुनिया का पहला चैटबॉट जिसका नाम था एलिजा, उसे लॉन्च किया गया और उसे बनाया गया था जोसेफ वोल्ट्सबॉम के द्वारा और यह बिल्कुल ह्यूमन के तरह ही एक्ट कर सकती थी। लेकिन इसमें और ज्यादा सुधार करके रिचर्ड वेलेस ने फाइनली 1995 में एलिस नाम के चैटबॉट को मार्केट में लॉन्च किया, जहां एलिस का फुल फॉर्म अगर देखे तो वो है आर्टिफिशियल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट कंप्यूटर एंटिटी और यह बिल्कुल ह्यूमन के तरह ही लोगों को रिप्लाई कर सकती थी, या फिर यूं कहें लोग फील करते थे जैसे हम ह्यूमन से ही चैट कर रहे हैं और यह प्रिडिक्शन पैटर्न के ऊपर बेस्ड थी और यह इसी के ऊपर काम किया करती थी। अब लैपटॉप और कंप्यूटर्स का वक्त आ चुका था और आने वाले नई सदी में 2021 मतलब 2001 में स्मार्ट चाइल्ड नाम के चैटबॉट की मार्केट में एंट्री होती है, या फिर यूं कहें यह एलिस और एलिजा का एक अपग्रेडेड वर्जन था। स्मार्ट चाइल्ड वैसे तो तब एआई के ऊपर बेस्ड था, लेकिन जैसा कि आपको पता है तब एआई इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी, यहाँ भी बस नॉर्मली टाइपिंग टूल के तरह रह गया और लोग टेक्स्ट के ऊपर इससे सवाल किया करते थे। इसे अमेरिकन ऑनलाइन इंस्टेंट मैसेंजर के तौर पे भी जाने जाना लगा और यह बिल्कुल इसकी थिंकिंग पैटर्न बिल्कुल ह्यूमंस के तरह ही से उसी पैटर्न के ऊपर बेस करके बनाया गया था और इस बीते दौर में एप्पल भी कहाँ पीछे रहने वाला था। तो फाइनली 2016 में एप्पल ने पूरी तरह से एआई के ऊपर बेस्ड अपनी एक चैटबॉट लॉन्च की जिसका नाम रखा गया सीरी और यह पहली ऐसी चैटबॉट बनी जो कि टेक के साथ साथ वॉइस कमांड्स के ऊपर भी काम कर सकती थी। बस एक वॉइस कमांड और आपका काम पूरा हो जाता। 2022 के अंत होते होते चैट जीपीटी नाम का एक चैटबॉट मार्केट में आता है, जहां जीपीटी का नाम है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर 3 वर्जन। अभी तो यह बस बेटा वर्जन में, बेटा वर्जन में होने का मतलब इसका पूरी दुनिया में अभी तो बस ट्रायल चल रहा है। और बात करें या इसके वर्किंग पैटर्न की तो ये बहुत ही ज्यादा एडवांस एआई टूल है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल है, चैटबॉट है और यह पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मर न्यूरल आर्किटेक्चरल के ऊपर बेस्ड एक चैटबॉट या फिर यूं का एक एआई टूल है जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस है। और जैसे जैसे इसमें और ज्यादा अपडेट्स आते जाएंगे यह और ज्यादा एडवांस बनता जाएगा और यह आते ही इसने बस 6 दिन में 10 मिलियन फॉलोवर्स या फिर यूं कहें डाउनलोड्स इसके पूरे हो गए, इसलिए इसे टाइटल ऑफ गॉड के नाम से भी जाना जाने लगा। अगर नॉर्मली बात करें या काम कैसे करता है तो यह ह्यूमंस के द्वारा ही असिस्ट भी किया जाएगा और यूज भी इसे ह्यूमंस ही करेंगे, मतलब यह हमारे फीडबैक के ऊपर काम करेगा। जैसा जैसा हम इसमें डाटा डालेंगे वो वैसा ही वर्क करेगा, या हमारे लिए कंटेंट राइटिंग ब्लॉगिंग या फिर यू कहीं थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट का काम भी कर सकता है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे ये एआई टूल और ज्यादा पावरफुल होता जाएगा या फिर यू कहें बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। इस वीडियो में हमने देखा चैटबॉट की पूरी हिस्ट्री, उसके इवोल्यूशन के बारे में। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए जो कि फ्यूचर ऑफ चैटबॉट के ऊपर और चैट जीपीटी के ऊपर है तो कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।